ज्यादा निकलेगा यार, हो जा। इसमें मैंने यहाँ पता ये सब भी मैंने नहीं लगाया था, मेरे ब्राउज वगैरह सारी चीजों पे आ गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ओके, तो आज है ट्रस्डे एंड आज का डेट है 2 जुलाई। मेरे फेस को देख के डर मत जाना, क्योंकि मैंने अपने फेस पे अभी अप्लाई किया है। बगल में काम चल रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है एंड मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा लाइट भी आ रहा है। ओके, सो अभी मैंने जस्ट एक वीडियो बनाया है फेस मास्क का। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इस मास्क को ब्लॉग में ही शेयर किया था एंड उस टाइम मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, इसका रिव्यू डालूंगी। सो जस्ट मैंने रिव्यू डाला है एंड इसको अभी अप्लाई किया। ये ड्राई नहीं हो रहा है। कितना ज़्यादा साउंड आ रहा है, ये प्रॉब्लम मुझे बहुत दिनों से आ रही है। मतलब जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ इनके यहाँ काम स्टार्ट हो जाता है और बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है। वैसे ये ड्राई नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ना कि ये नीचे से ना ये निकल के आ रहा है, देख रहे हो कितना ज़्यादा। मैंने काफ़ी मोटा लेयर अप्लाई किया है। अब इसको ड्राई करना है। तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसको एंड कब तक करेंगे, क्योंकि आज मैं स्टार्ट कर दी हूँ, एंड आज तो नहीं होगा आई थिंक, देखती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। सो गाइज, ये आप कुर्ती देख रहे हो, ये कुर्ती का सेट आज आया है, फ्लिपकार्ट से लिया था एंड आज आया है। इसको सैनिटाइज करके यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया बाहर में एंड अभी इसको यूज़ नहीं करना है, एक दिन ऐसे ही छोड़ देंगे, कल इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा है। एंड ये बॉक्स बहुत पहले के मोबाइल का है तो उसको इग्नोर करना। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, लाइक इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड अभी इसी तरीके से आया तो इसी तरीके से छोड़ दिया है। इसको स्प्रे जो आता है सैनिटाइजर, उससे मैंने स्प्रे करके डाला है एंड ये जगह जगह से निकल रहा है एंड ड्राई नहीं हो रहा है काफ़ी जल्दी। सो इसको ट्राई करने के लिए आई थिंक 15 to 40 मिनट लगेगा मुझे। तो अभी मैं बाहर आई थी एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो मैं जिस रूम में वीडियो बनाती हूँ उस रूम में बिल्कुल भी एसी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है इस टाइम में एंड उसके वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है। क्या करना है, ये वाला बैंड, ये मैंने बस दुपट्टे का बनाया है, आप इसको ट्राई कर सकते हो एंड बना सकते हो इस तरीके से। अगर आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं है, तो मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। सो चलिए, एंड अभी मैं जस्ट वीडियो बनाई थी तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे क्या करना है। सो मैं जिस रूम में वीडियो बनाती हूँ वो रूम ये है एंड इसी रूम में मैं अपनी सारी वीडियोस, एडिटिंग जो भी होता है वो मैं कर लेती हूँ। फैन ऑन किया है तो हो सकता है आप लोगों को साउंड आएगा, जस्ट आप देख सकते हो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी अभी आधा सा मैंने वीडियो बनाया है, अभी आधा हाफ मुझे बनाना ही है अभी। सो मैंने सोचा कि ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया जाए, सोच रही हूँ कुछ बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। एंड इस रूम की लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे मैंने बड़ा सा बल्ब लगाया है। अभी बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है मेरे पास, सो इन फ्यूचर सोचूंगी बैकग्राउंड पे। एंड यहाँ आप देख रहे हो लाइक ये वाली जो वॉल है गाइज, ये बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो इसके लिए आप लोग बताना कि ये कैसे ठीक होता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम से हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत बार पेंट करवाया यहाँ पे, जो भी होता है इसके सारे चीज़ें करवा के यहाँ पे पेंट हुआ था, बट फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, बराबर ये वॉल यहाँ से निकल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ बैकग्राउंड में एक वॉलपेपर लगाने का, क्योंकि वीडियो में भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत अजीब, मुझे बहुत दिनों से मुझे हो रहा है कि एक वॉलपेपर परचेज करके इसको यहाँ पे सेट करूँगी, देखते हैं क्या करेंगे। जस्ट मैंने वीडियो बनाया था, मेरी लाइटिंग वगैरह सारी अभी ओपन है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने जस्ट अभी वीडियो बनाया है, मेरे सारे मेकअप के प्रोडक्ट, ये स्किन केयर के हैं, ये सारे मैंने ऐसे छोड़ दिए हैं एंड लाइट को इस तरीके से अभी रखती हूँ। मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट चुका था, बट इस तरीके से लगा के ना रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, तो मैंने इसको इसी तरीके से छोड़ दिया है। मैं अब इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं ट्राइपॉड के साथ सेट करके ये वाला लाइट कर रही थी तो क्या हो रहा था कि फेस पे बहुत ज़्यादा लाइट आ जा रहा था एंड इस वजह से मेरे जो वीडियो है उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग आ रही थी, तो मैंने इसको अलग से ही लगा दिया है एंड यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। तो ये एक जुगाड़ है, आप ट्राई कर सकते हो अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो। सो ये मेरा प्रिंटर वगैरह यहाँ पे, मैं बैठ के प्रिंटिंग या फिर मेरा लैपटॉप है, एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे,
तो बस वीडियो यहीं पे बनाती हूँ। पूरे फेस में मैंने यहाँ पता ये सब पे मैंने नहीं लगाया था, मेरे ब्राउज वगैरह सारे चीजों पे आ गया है एंड मेरे नेक पे भी आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा निकल रहा है पता नहीं क्यों, आई थिंक गर्मी की वजह से ये इतनी ज़्यादा नीचे आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते। वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि इस रूम में एसी नहीं है, तो वीडियो में क्या होता है कि अगर आप फ़ैन ऑन करते हो तो उसका साउंड आता है, बगल में काम चल रहा है उसका साउंड आता है, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। एंड अगर फ़ैन थोड़ा सा भी मतलब मैं 1 पे 2 पे भी करके अगर बनाती हूँ उसका भी साउंड आ जाता है, तो वीडियो में फ़ैन को ऑफ करना पड़ता है। फिर अगर आप मेकअप वगैरह कर लेते हो तो मेकअप के बाद काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है क्योंकि आपके पोर्स वगैरह क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अब मैं इसको जल्दी से ट्राई करती हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय। ओके, तो मैंने जो फेस मास्क अप्लाई किया था वो मैंने रिमूव कर दिया, मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी हो गई, सारा कुछ मैंने कर लिया है। अब जो मैंने फेस मास्क निकाला है ये आप देख सकते हो, राइट नाउ मैंने अभी वीडियो को शूट किया है एंड टाइम हो रहा होगा 7 बज रहे हैं इस टाइम में। एंड अब मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करनी है बैक कैमरे से, जो फेशियल हेयर रिमूव हुए हैं उसको बस रिकॉर्ड करना है एंड बस ये आज की वीडियो होगी। तो इस ब्लॉग को हो सकता है मैं कल कंटिन्यू करूंगी क्योंकि आज पॉसिबल नहीं है, मैं यहीं पे आज का दिन इन कर रही हूँ एंड कल मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। कल देखते हैं क्या क्या करना है क्योंकि कल मुझे कुछ क्लीनिंग करनी है एंड अपने हेयर पे मास्क अप्लाई करना है, हेयर मास्क अप्लाई करना है जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ एंड कल भी थोड़ा सा आप लोगों को दे दूंगी। भी लोग हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वहां पे चेकआउट कर लेना एंड अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो लिंक दे दूंगी नीचे, आप वहां से चेक कर लेना। सो मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज मैं बनाने जा रही हूँ चने की सब्जी और यहाँ पे चना आप देख रहे हो ये भिगो के पहले से डाल दिया था। यहाँ प्याज की कटिंग मैं कर रही हूँ एंड कुछ प्याज यहाँ पे हैं, इसको छिलके अभी कट करूँगी एंड इसको कट करने के बाद इसको बनाऊँगी। सो मैं बोल रही थी कि मैं कल आप लोग के साथ मिलूँगी बट आज नाइट में मुझे ये करना पड़ रहा है तो सोचा रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो उसकी कटिंग कर ली है थोड़ा सा, बस अब ये है इसको भी कट करके इसके बाद ट्राई करते हैं कैसा बनता है, सारी चीज़ें दिखा दूँगी थोड़ा बहुत। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डाली जीरा, तेल काफी अच्छे से गर्म हो गया है, जीरे को थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सारे कटे हुए प्याज जो भी मैंने अभी कट किया था एंड उसके बाद इसको आप काफी अच्छे से भूनोगे जब तक ये हल्का सा ब्राउन कलर का आ जाएगा। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच लगभग मैंने इसमें हल्दी डाली है, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ किचन किंग, तो किचन किंग मसाला आता है वो वाला, लाइक ये वाला मसाला, ये वाला एवरेस्ट का जो आता है ये मैं इसमें अभी डालूंगी इतना। आप चाहो तो इसको मिक्स करके भी आप डाल सकते हो, मैं मिक्स करके ही ज्यादातर डालती हूँ पानी वगैरह डाल के, बट इस टाइम मैं इसी तरीके से अभी अप्लाई कर रही हूँ। इसमें ड्राई मैं सारे मसाले डालूंगी, थोड़ा सा अलग बना रही हूँ जी भी इसमें हम डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना आपको टेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये केचप का मिर्ची पाउडर है, इसको मैं थोड़ा सा बस डालूंगी इसमें, लाइक ज्यादा तीखा हम लोग नहीं खाते हैं इस वजह से, अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप ज्यादा तीखा डालो। थोड़ा सा धनिया पाउडर 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी, आप जितनी टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, मैं बस इतना डालूंगी। गरम मसाला, ये कैच का गरम मसाला है, ये वाला मैं इसमें डालूंगी, आप चाहो तो ड्राई वाला भी डाल सकते हो, हम लोग इस तरीके के पाउडर वाला यूज करते हैं, बस हल्का सा आपको डालना, ज्यादा गरम मसाला यूज करने से फिर उसका टेस्ट आने लगता है हल्का सा कड़वा। ये आप यहां से देख लो, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो भी आता है, जो भी ऐसा कोई नहीं है कि यही आएगा, कुछ भी जो भी आ जाता है हम लोग खा लेते हैं। तो ये 10 रुपए की पैकिंग आती है लाइक इस तरीके से, 2 पैकेट का मैं अभी यूज करूंगी। सो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाला है देसी घी, जो घर की घी होती है, उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी इस तरीके से एंड इसको थोड़ा सा हम लोग फ्राई करते हैं, उसके बाद घी बनाते हैं। नॉर्मली जो भी बनाते हो इसी तरीके से बनाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे भी बना लेते हैं बट इस तरीके से टेस्ट नहीं आता है, जो कि
ठीक है आना चाहिए एंड इन सेवइयों को इस तरीके से आपको भून के ही बनाना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी मिलते हैं जो कि भुना हुआ रहता है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, जल जाएगा। तो गाइस ये देखो मैंने इसको कुकर के अंदर डाल दिया एंड बस थोड़ा सा पानी डाला है लाइक इतना, एंड कलर तो काफी अच्छा आ गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, उसके बाद इसको बंद करके सीटी लगाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालूंगी दूध और जब तक वो बॉयल होता है तब तक मैं थोड़े से देर के लिए जाऊंगी, यार बहुत गर्मी लग रही है। तो काफी अच्छे से ये बॉयल हो चुका है एंड अब इसके अंदर मैं डालूंगी सेवइयों को जो कि मैंने यहाँ पे फ्राई किया था अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो गाइस सब्जी तो बन गई है, जो चने की सब्जी बनाई थी एंड इसको चेक करते हैं। ओके, स्मेल काफी अच्छा आ रहा है बट इसका जो पानी था वो पूरा ड्राई हो गया है, तो अब हम इसको बस चेक करेंगे कि ये हुआ है या नहीं अच्छे से। सो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी कर दी है, अब ये काफी अच्छा हो गया है एंड थोड़ा सा नमक भी डाला है। थोड़ी देर के इसको गर्म करेंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये सब्जी बन गई है। जो मैं बना रही थी वो सारी चीजें मैंने कर ली है एंड अब मेरे फेस की हालत आप देख सकते हो, पूरा पसीना पसीना लाइक इतना ज्यादा पसीना है। गर्मी में अगर आप खाना बनाते हो या किचन में जाते हो तो ऐसा हालत होता होगा, सबको होता है। तो इस रूम में एसी नहीं है, इस वजह से मैंने फैन ऑन किया है, बहुत ही लो मैंने करके ऑन किया, फिर भी साउंड आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, तो मैंने खाना बनाया, मैंने खाना खा लिया है एंड इस वीडियो को अगर मैं कंटिन्यू कर नहीं कर पाऊंगा तो यहीं पर मैं एंड कर दूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहती जो भी ब्लॉगिंग या भी कोई भी वीडियो मैं करती हूँ। तो अगर कल कंटिन्यू करती हूँ तो थोड़ा सा और ऐड करूँगी, क्योंकि कल मुझे मास्क अप्लाई करना है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बोला था एंड मैं सोच रही थी कि कल ही बनाऊँ बट नाइट के टाइम में मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही रेयरली कुछ भी चीज़ें बनाती हूँ। सो यहाँ मिलती हूँ कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड नाइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं अपने बालों पर अप्लाई करूँगी मास्क, क्योंकि मेरे बालों की आप हालत देख सकते हो एंड अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज पाउडर, ऑरेंज फ्लफर पिलो ऑफ मास्क, सॉरी पिल ऑफ मास्क नहीं, ऑरेंज पाउडर मास्क। ये विटामिन सी के साथ आता है, ये आपके बालों की सर्कुलेशन या फिर आपके बालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, बालों की कंडीशन को अच्छा करता है, फिजनेस को कंट्रोल करेगा, हेयर को सॉफ्ट बनाता है। साथ ही साथ इसमें 100% ये ऑर्गेनिक एंड नेचुरल होता है। 15 ग्राम की आपको ये पैकिंग मिलती है जो कि आप एल्फ्स गुडनेस से ले सकते हो। एल्फ्स गुडनेस पर्पल की साइड पर आपको मिलेगा, पर्पल की साइड जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे हेल्दी हेयर या फिर स्किन केयर की सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो आप अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज पाउडर अप्लाई किया है, साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है ऑरेंज का एसेंशियल ऑयल। ये भी आपके हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, आप इसको किसी भी फेस पैक या भी किसी भी हेयर मास्क में आप अप्लाई कर सकते हो। 2 से 3 ड्रॉप आपको डालना होता है, उसके बाद आप अपने बालों में अप्लाई करोगे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। सो चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं। मैंने अपने बालों पे अप्लाई कर लिया है ये जो ऑरेंज पाउडर है, ये आप यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। एंड अगर आपके बालों की लॉस बहुत ज्यादा हो रही है या फिर आपके बालों में डैंड्रफ है, फ्रिजनेस की प्रॉब्लम है, तो ये यूज कर सकते हो एंड ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि आपने बालों के रूट में अप्लाई करना है, उसके बाद आपको लेंथ में अप्लाई करना है, जैसी क्वांटिटी आप रखना चाहते हो उस तरीके से आप रख सकते हो। इसको आधे घंटे के लिए अब बस मैं ड्राई करूंगी, उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। आप चाहो तो सेकेंड डे भी शैम्पू यूज कर सकते हो या फिर सेम डे पे भी आप शैम्पू कंडीशनिंग कर सकते हो। तो यह मैंने अप्लाई कर लिया एंड बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है, आप नीचे देख सकते हो। तो कॉटन क्लॉथ आप जरूर यूज करना, ड्राई होता है। तब तक मैं कुछ वर्क करूंगी, लाइक मुझे कुछ सफाई करनी, कुछ क्लीनिंग करनी है। मैं फ्रिज को क्लीन करूंगी एंड थोड़ा सा वार्डरोब मैं यहाँ पे
ये वाला जो वार्डरोब आप देख रहे हो इसको क्लीन करना है। यहाँ पे लाइटिंग की आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एंड मैं फिर इसको क्लीन करने वाली हूँ। तो बस तब तक मेरे जो बालों में मैंने अप्लाई किया है वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद इसको वॉश करेंगे। सो मिलती हूँ इस सबके बाद। ना छोटू सा ये मैंने बहुत पहले लाइक परचेज किया था, ये शिव जी का है एंड एक और है जो कि है गणेश जी एंड बहुत ही प्यारा है, शायद उस टाइम का है एंड बहुत ही छोटा सा है तो ये काफ़ी अच्छा लगा इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि बहुत पहले किया मैं। मैंने क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हो डाइनिंग टेबल पे सारा चीज़ अभी निकाल के रखा है, हाफ मैंने वार्डरोब को भी क्लीन किया। ठीक है, फ्रिज में आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, ये आप देख रहे हो कितना ज़्यादा आइस आ जाता है इसमें, तो न्यू में ये नहीं था बट अब जाके ये प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों के साथ एंड ऊपर में भी है लाइक आप देख सकते हो इस तरीके से। सो पता नहीं क्यों आई थिंक बैकग्राउंड में आ रहा है, तो इसको क्लीन करना होता है, इसको यहाँ पे डिफ्रॉस्ट करना होता है लाइक इस बटन से एंड अभी तो ये पूरी अच्छी तरीके से नहीं पिघला है तो जब तक ये क्लीन नहीं होता है इसको इस तरीके से ओपन करके छोड़ दिया है तब तक वार्डरोब की क्लीनिंग कर रही हूँ। फ्रिज के सारे सामान सब्जियाँ सब कुछ निकाल के डाल दिया है, तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा, मेरी ब्लॉग में आप लोगों को यही सारी चीज़ें दिखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है क्योंकि मैं कहीं भी बाहर नहीं जा रही हूँ इस टाइम में। इस ब्लॉग को आज एंड कर दूँगी एंड ओके, तो जल्दी से फटाफट से काम कर लेते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने बालों में पैक भी अप्लाई किया है उसका भी हो गया है टाइम, इसको वॉश करना है। रोज है ये मुझे बहुत पसंद आया था तो इसको मैंने परचेज किया था, दोनों को परचेज किया था दोनों मॉल से, यहाँ पास के मॉल से ही मैंने लिया था एंड इसका रेंज थोड़ा सा हाई है लाइक 150 में दिया था तो थोड़ा सा हाई रेंज दिया था बट बहुत ही अच्छा। ऑनलाइन भी आपको इस तरीके की सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये सब मैं क्लीन कर रही हूँ इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ इसमें। बहुत टाइम लग गया, आप इस पैक को लगभग आधे घंटे ही रखना, इससे ज़्यादा नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा बट मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया, मैं क्लीनिंग करने लगी इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूँगी, यहीं पे एंड करूँगी। थोड़ा सा अप्लाई किया है ये एल्सबुंडिस का कुकुम्बर वाला प्री टोनर, सॉरी कुकुम्बर टोनर मैंने अप्लाई कर लिया है। ओके गाइस,